वजीर तलाब फवाद चौधरी के नून लीग और पीपल्स पार्टी परिवार, नवाज शरीफ और जरदारी का मसला फौरी हल नहीं होगा, बिलावल अब्बू बचाओ मुहिम बचाओ चला रहे हैं, बाद में अब्बू निकालो मुहिम चलाना पड़ेगी। नैब के खिलाफ सियासी मुहिम जोई का जवाब नहीं, बिलावल को भारतीय मामलात पर ट्रेन मार्च का मशवरा, कहा सिंध से हिंदू लड़कियों के अगवा के मामले की तहकीकात जारी है। जज्बाती मतवालों को ट्रेन रोकना महंगा पड़ गया, मरियम नवाज की कोटलखपत जेल आमद पर ट्रेन का पहिया जाम करने की कोशिश करने वाले यूसी चेयरमैन राय लियाकत, लीगी रहनुमा शफकत पांडा और मोहम्मद नदीम गिरफ्तार, पुलिस को मजीद दो दर्जन कारकुनों की तलाश, पुलिस सीसीटीवी और सिटी फुटेज की मदद से कारकुनों को जमा कर रही है, गिरफ्तार कारकुनों को मॉडल टाउन कचहरी में पेश कर दिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर कारकुनान की गिरफ्तारी पर हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं कहने को जमहूरी दौर है लेकिन आमरियत मुसल्लत है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके बेगुनाह कारकुनान को गिरफ्तार और तशद्दुद भी किया गया। कैदी 4470 कोटलखपत जेल में कैद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का मामूल का मेडिकल चेकअप, डॉक्टर्स ने ईसीजी ब्लड प्रेशर शुगर समेत दीगर टेस्ट किए, नवाज शरीफ गुर्दों के पुराने मरीज, जब राजी हो जाएंगे तो अस्पताल में इलाज शुरू हो जाएगा। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नून लीग सियासी तौर पर जिंदा रहने के लिए एहतजाजी सियासत कर रही है। हमजा शहबाज की नून लीगी कारकुन मोहम्मद अली चौताई के इंतकाल पर संत नगर में उनके घर आमद, अहल खाना से इजहार ताज़ियत, मरहूम के इसाल सवाब के लिए फातिहा खानी, पार्टी के लिए खिदमात को सराहा। दफ्तरी अमूर में मसाइल, काम का बोझ, 7 साल बाद लाहौर की एक और तहसील बनाने का फैसला, नई तहसील का नाम न्यास बेग होगा, दरियाई एरिया रायविंड और इकबाल टाउन के इलाके शामिल किए जाएंगे, न्यास बेग तहसील बनने के बाद तहसीलों की तादाद 6 हो जाएगी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को समरी अरसाल, नई तहसील बनाने की हक में मंजूरी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फैसले के बाद वजीर आला पंजाब से मशरूत होगी। सूबा पंजाब के अब बदलेंगे हालात, वजीर आजम से मुलाकात के बाद वजीर आला ने नई हिकमत अमली बना ली, उस्मान बुजदार का सूबे के इजला का अचानक दौरों का फैसला, वजरा की टीम को भी फ़ाल बनाएंगे, परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए इकदाम की खुद मॉनिटरिंग करेंगे। आज पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, इस्लाम अमन का दीन मोहब्बत और इंसाफ के जोर पर फैला है, गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर का जौहर टाउन में जामियतुल खैर की सालाना तकरीब, तकसीम इनामात से खिताब, कुरान पाक मुकम्मल करने पर 30 से ज्यादा तलबा को असनाद से नवाजा गया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड में शफाफ भर्तियां, नई अथॉरिटी बना दी गई, 1-5 ग्रेड की भर्ती सेक्रेटरी बोर्ड करेंगे, ग्रेड 6 से 16 तक की भर्तियों का इख्तियार चेयरमैन बोर्ड के पास होगा, ग्रेड 17 और इससे ऊपर के तमाम ग्रेड की भर्ती के इख्तियारात विफाक की हुकूमत के पास होंगे, वजारत मजहब यमोर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अढ़ाई माह गुजर गए, सगिया रावे पुल का मरम्मती काम अधूरा, ट्रैफिक जाम रहना मामूल, शहरी घंटों रास्ते में फंसने लगे, मरम्मती काम जल्द मुकम्मल करने की अपील। मेट्रो स्टेशन बत्ती चौक के करीब चिंची रिक्शा सवार की दिन दिहाड़े राहगीरों पर अंधाधुंध फायरिंग, गोलियां लगने से एक राहगीर जानबाहक, 2 जख्मी हो गए, मुलजिम गोलियां चलाता और रिक्शा भगाता फरार हो गया, जख्मी अकबर, ताज मोहम्मद और अख्तर को अस्पताल मुंतकिल किया गया, 26 साल अख्तर में अस्पताल में दम तोड़ गया, थाना रावी टाउन पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कोटलखपत में पसंद की शादी करने वाली खातून भाइयों के हाथों कत्ल, 30 साल उस्मा को भाइयों ने कुल्हाड़ियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया, मकतूला को बचाते हुए उसकी 34 साल सोतन नौरीन जख्मी हो गई, जनरल अस्पताल मुंतकिल, मुकदमा दर्ज, पुलिस ने मुलजिम भाइयों अजहर और कासिम को गिरफ्तार किया, मकतूला उस्मा ने चंद रोज कबल साजिद से पसंद की शादी की थी।
वालिदैन की गफलत, दो बच्चे जान से गए। चुंग में घर वाले मच्छर से बचाव की टिक्की लगाकर खुद हमसायों के घर महफिल में चले गए। पहले आग कालीन को लगी, फिर कमरे को लपेट में ले लिया। सोए हुए बच्चे सोए ही रह गए। 7 साला सुफियान, 9 साला अरसलान झुलस कर जान बहक हो गए। मामूली झगड़े पर 25 साला नौजवान को जिंदा जला दिया। रोहिनाले के करीब 4 मुलजमान ने दुकान में इशफाक पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। इशफाक झुलस कर जान बहक। इशफाक का चंद रोज कबल पतंगबाजी से रुकने पर मुलजिमों से झगड़ा हुआ था। खूनी खेल के शौकीन बाज ना आए। शहर में फिर पतंगबाजी धड़ल्ले से जारी। नेशनल कॉलोनी में पुलिस का खुफिया इत्तला पर घर पर छापा। 160 से ज्यादा पतंगें और 90 बोतल शराब बरामद। 2 मुलजिम बासित और गौहर गिरफ्तार। फैसल टाउन पुलिस ने भी पतंगबाज उमर को गिरफ्तार कर लिया। हजारों पतंगें और दर्जनों चरखियां बरामद। हेर पुलिस की कार्रवाई में 7 पतंगबाज गिरफ्तार। पतंगबाजों के खिलाफ FIR की तादाद 69 तक जा पहुंची। तर्जुमान पुलिस। इंसानी सेहत के दुश्मन मुसाफिरों की जिंदगियों से भी खेलने लगे। पंजाब फूड अथॉरिटी की मोटरवे पर फूड पॉइंट्स की चेकिंग। फ्राइड चिक्स फास्ट फूड रेस्टोरेंट में कीड़े मकोड़े, नाकिस गोश्त पर सील। चिकन ब्रोस्ट रेस्टोरेंट को जायदुल मायात कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल पर ताले लग गए। मिजाब होटल भी बंद। शिकायत मिलने पर मोटरवे सर्विस एरिया की चेकिंग में मजीद इजाफा। DG फूड अथॉरिटी। सब्जी मंडियां हों या आम बाजार, रेट नहीं रहते बरकरार। टमाटर की कीमत कम होते होते 74 पर आई, लेकिन कहीं भी 80 से 85 रुपए फी किलो से कम नहीं मिल रहा। सब्ज मिर्च तो डबल सेंचुरी से ट्रिपल सेंचुरी की जानिब गामजन। 285 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। आलू के सरकारी ने 11, प्याज 28, बैंगन 42, गोभी 20, मटर 42 रुपए मुकर्रर, लेकिन दुकानदार हर सब्जी का 2 से 5 रुपए ज्यादा वसूल कर रहे हैं। आवाम महंगाई के घेरे में मुर्गी के गोश्त को फिर से पर लग गए। कीमत मजीद 3 रुपए बढ़ गई। रेट 228 रुपए से बढ़कर 231 रुपए फी किलो हो गई। मटन और बीफ तो पहले ही महंगा, चिकन भी पहुंच से दूर। शहरी परेशान होकर रह गए। मिनहाजुल कुरान वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मॉडल टाउन में इज्तमाई शादियों की तकरीर। 23 जोड़े रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। 2 लाख रुपए मालियत का जहेज सामान दिया गया। दरवाजे खुल गए आज फिर। गवर्नर हाउस में शहरियों की बड़ी तादाद सैरो तफरी के लिए उमड़ आई। जी भर कर एंजॉय किया जश्न बहार के रंग। जिलानी पार्क में कैट शो, शहरियों की जानिब से भरपूर पजीराई। बाहर के रंग, लाहौर कार्निवल के दूसरे रोज रौनकें और भी ज्यादा। म्यूजिक कॉन्सर्ट समेत रंगारंग प्रोग्राम, खाबों के स्टॉल्स भी सजे। शहरियों की जौक दर जौक आमद। बाहर के रंग हर सू। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां अखलाक अहमद गुड्डू के फार्म हाउस पर स्प्रिंग फेस्टिवल। तारिक सना बाजवा, मियां वहीद अफजल, राना अतीक और दीगर के शिरकत। फेस्टिवल में गुलकार इमरान बोबी और दीगर की शानदार परफॉर्मेंसेस। और लिबर्टी में कार सेल मेला। मुख्तलिफ कंपनीज की नई और पुरानी गाड़ियां तवज्जो का मरकज। शहरियों की बड़ी तादाद नई नवेली गाड़ियां देखने के लिए उमड़ आई।